सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम देखेंगे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बैटरी क्या होता है, उसका हम एक बेसिक नॉलेज देखेंगे, बेसिक उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, एक वायर है। वायर के क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। अगर हम एसी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। एसी सोर्स प्रोवाइड कर रही है इसलिए फेज न्यूट्रल। अगर डीसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो हमारे क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये हमारा ये एसी बल्ब है, इसको हमें ग्लो करना है, इसको हमें क्या करना है, ग्लो करना है। तो ग्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, करंट पास होगा, तब हमारा ये जो बल्ब लगा है वो ग्लो होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करेंगे। वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा मतलब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। वोल्टेज सोर्स हम जब प्रोवाइड करेंगे तब इस वायर से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन में क्या, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए हम इसको निगेटिव लिखा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे हम लोड लगा देंगे तो हमारा ये लोड ग्लो होगा। जब ये वोल्टेज सोर्स फोर्स प्रोवाइड करेगा तभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फ्लो होगा, इस वायर से फ्लो होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाएंगे, अगर इसमें रेजिस्टेंस भी नहीं लगाएंगे ना, तो कंडक्टर का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं इस वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं लगाऊंगा ना, फिर भी इसका, इस कंडक्टर का कुछ अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं, मान लीजिए जनरली हम टू टाइप्स के कंडक्टर यूज करते हैं, एक एल्यूमिनियम का हो गया और एक हो गया हमारा कॉपर का। एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। जो रेजिस्टेंस क्या करता है, ओपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट को, मतलब इस वायर से, इस यहां से तू फ्लो मत हो, मतलब ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टर क्या करता है, ओपोजिशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को। ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजिस्टर। और जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो ये ओपोजिशन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, जो ये सप्लाई साइड और यहाँ से जो भी, जो ये हमारे क्या हो गए, हमारे जो पोटेंशियल हो गए, ये क्या हो गए, हमारे दो पोटेंशियल हो गए। जहाँ पे, जब यहाँ पे डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इस दोनों पॉइंट में, तब उसको क्या बोलेंगे, हम वोल्टेज बोलेंगे। तो वोल्टेज मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट में जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तब उसको क्या बोलेंगे, हम वोल्टेज बोलेंगे। अगर करंट को हमें डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। और रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और हमारे जो वोल्टेज का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्टेज होता है, करंट का हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का हमारा ऐसा यूनिट होता है ओम होता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, वो हमने देख लिया। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, जो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसी को क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और बैटरी क्या होती है, क्या देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है। इंडक्टर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक कुछ मेटल का, एक सॉलिड मेटल है, एक क्या है, एक मेरा एक मेटल है और मेरे पास एक है कॉपर का कंडक्टर, एक कॉपर का कंडक्टर है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कॉपर का कंडक्टर है, अगर मैं यहाँ से ऐसा लपेट लूंगा इस कंडक्टर से, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक इंडक्टर बन जाएगा। इंडक्टर कुछ नहीं होता, हमारा जो एक कॉपर का कंडक्टर है, किसी भी एक मेटल पार्ट पे हम उसको वाउंड करेंगे, वाउंड मतलब ऐसा लपेटेंगे इस कंडक्टर में, जो भी मेटल का कंडक्टर है,
तो क्या बन जाएगा, एक इंडक्टर बन जाएगा। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों भी स्टोरिंग डिवाइस होते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों भी स्टोर डिवाइस होते हैं, स्टोरिंग डिवाइस होते हैं। जैसे कि हमारा जो इंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। और उसी तरीके से कैपेसिटर हमारा क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। कैपेसिटर के बाद में आएंगे, पहले इंडक्टर देख लेते हैं। इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक कॉपर हो गया। कॉपर का कंडक्टर हमने क्या किया, इस मेटल पे वाउंड किया, तो वो बन गया हमारा इंडक्टर। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। साथ ही में वो क्या करता है, करंट को चेंज नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता, करंट को चेंज नहीं होने देता। मतलब ओपोज टू चेंज द करंट, ओपोज टू चेंज इन द करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्ट इंडक्टर। सॉरी, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक करंट को बैलेंस करता है, ना हाई होने देता ना ही लो होने देता। मतलब करंट की एक वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, उसे को क्या बोलेंगे हम, इंडक्टर बोलेंगे। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, इंडक्टर, इंडक्टर, इंडक्टर को ही जो ये हमने जो सॉलिड मेटल है उसके क्या ऑन किया है, एक कॉपर का एक कंडक्टर ऑन किया है। अगर इस दोनों पॉइंट में हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हम प्लस और माइनस, कुछ हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या एक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है, अगर इस दोनों टर्मिनल में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये टेम्परली एज अ मैग्नेट जैसा एक्ट करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ मेटल का कुछ पीस लेके आता हूं, तो ये क्या करेगा, इस जो मेटल का पीस है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये एज अ टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। अगर हम इस सोर्स को यहां से निकाल देंगे ना, तो जो भी अट्रैक्ट किया गया जो जो मेटल पार्ट है वो उसको क्या करेगा, इसको वो छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रो मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर की जैसे प्रॉपर्टी है इस करंट को चेंज नहीं होने देता, उसी तरीके से कैपेसिटर की भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। किसको चेंज नहीं होने देता, वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन कैसे बनेगी, ओपोजिशन टू चेंज इन द वोल्टेज, ओपोजिशन टू चेंज इन द वोल्टेज इज कॉल्ड एज कैपेसिटर, ओपोजिशन टू चेंज इन द वोल्टेज इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। और हमारा जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल नेचर में कनेक्ट किया जाता है। जो भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगी उसमें हम क्या क्या लगाते हैं, रेजिस्टर्स लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, जो भी हम जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा जो करंट है वो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या थी, वो चेंज नहीं होने देता कंडक्टर को, और कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी थी, वो वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। तो वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है और करंट सीरीज में सेम रहता है। और उसको ऑपोजिट कैसा होगा, जो वोल्टेज है वो सीरीज में डिवाइड हो जाता है और करंट पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इंडक्टर की जैसी प्रॉपर्टी है वो जो करंट को मेंटेन रखता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, सीरीज को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। और कैपेसिटर की जैसी प्रॉपर्टी होती है वोल्टेज को मेंटेन करता है, वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको मेंटेन करता है। मतलब वोल्टेज को ना ही बढ़ने देगा ना ही कम होने देगा, उसको मेंटेन करना है उसको, तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलल में। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है, और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। और कैपेसिटर और एक प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, क्विक चार्जिंग और क्विक डिस्चार्जिंग। मतलब वो जल्दी चार्ज हो जाता है और जल्दी ही मिली सेकंड्स में डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी चार्ज हो जाता है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटर बोलेंगे। और जो बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्लस हो गया और माइनस हो गया। तो बैटरी, जो बैटरी है उसको हम डीसी सोर्स को स्टोर करते हैं। बैटरी में क्या करते हैं, हम डीसी सोर्स को स्टोर करते हैं। एसी सोर्स को कभी भी स्टोर नहीं किया जाता है,
एसी सोर्स को स्टोर नहीं किया जाता है, डीसी सोर्स को ही स्टोर किया जाता है। तो हमारे जो भी जो जो हमारे जो लाइन्स आती है वो क्या होती है, एसी सोर्स में होती है। तो हमें डीसी सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, हम रेक्टिफायर लगाते हैं। एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक रेक्टिफायर लगाते हैं या फिर डायोड लगाते हैं। उसकी वजह से एसी सोर्स को डीसी सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो ये बैटरी होती है उसको डीसी सोर्स को स्टोर किया जाता है। तो डीसी जो बैटरी होती है आपने देखा होगा 12 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, 12 वोल्ट होगी या फिर 24 वोल्ट की होती है, ठीक है। तो बैटरी बैटरी का ज्यादा कुछ नहीं, बैटरी और कैपेसिटर में यही डिफरेंस है। कोई कोई समझ लेता है कि कैपेसिटर और बैटरी दोनों भी स्टोरिंग डिवाइस है, वो स्टोर करते हैं, स्टोर तो करते हैं, लेकिन जो भी कैपेसिटर होते हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है और बैटरी की प्रॉपर्टी अलग होती है। क्यों होती है, एक जल्दी चार्ज होता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है, क्विक चार्ज और क्विक डिस्चार्ज के लिए जाना जाता है कैपेसिटर। और जो हमारी बैटरी है वो उसके लिए नहीं जानती, क्विक डिस्चार्ज और क्विक चार्ज के लिए नहीं जानी जाती, एक बहुत टाइम लगाती है चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगाती है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम बैटरी बोलेंगे। और बैटरी में जैसे कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बैटरी में क्या होता है, 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। और इसका जो दो टर्मिनल होता है, जैसा एसी सोर्स में जो दो टर्मिनल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फेज और एक न्यूट्रल। और जो डीसी सोर्स में, डीसी बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम प्लस पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो बैटरी का हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं। इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है। अगर आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और बैटरी की नॉलेज, ये बेसिक नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।